छुपनी सादों से ये हिजर कैसे झेला है। कल उस्ताद पैसा कमाना है मैंने, मैं दुनिया का राज समझ गया हूँ, यहाँ सब पैसे के सामने झुकते हैं। पर यूं समझ तेरा काम हो गया, अब तू कराची जाने का सामान बन। कराची? परिजात, इंटरेस्टिंग नाम है, किसी काम पे लगा दीजिए। सर ये लोडिंग, ये तो शेड्यूल और लिस्ट में नहीं लिखी गई थी। हाँ बस वो अचानक एक डिलीवरी का ऑर्डर आ गया तो मैंने सोचा कि रात के इस पहर किसी को क्या जहमत देनी है, मैं खुद ही आ गया। सर परमिट देखे बगैर मैं किसी गाड़ी को फैक्ट्री से बाहर नहीं जाने दे सकता। मैंने कहा ना तुम जाके कोई दूसरा काम देखो, मैं हूँ ना यहाँ, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ बाहर जाकर किसी से इस बात का जिक्र नहीं करना, वरना कल से नौकरी पर आने की ज़रूरत नहीं है, खुद को फारग ही समझना। सर जाओ ना यहाँ से, ये तुम्हारे मैनेजर का हुक्म है। जाओ। तुम जल्दी करो भाई, अरे आप क्विक, अरे आप के लिए। मैंने कहा ना उस फड्डे में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है तुझे, वो जो मुस्तफा है ना वो सेठ बैरोज का पुराना वफादार है, उससे पंगा लेने का मतलब है तू तो नौकरी से गया। तो भूल गया उसने तुझे धमकी भी दी थी। क्या वो मुझे सुने बगैर ही मुझे नौकरी से निकाल देंगे, जबकि मैं तो उनके लिए जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुए तुझे नौकरी करते हुए, पहली तनख्वाह भी नहीं मिली तुझे अभी, और तुझे शिकायतें लगानी, क्यों खुदकुशी करने पर तुला हुआ है तू? आराम से नौकरी कर और भूल जा सब बातों को। भूल गया क्या? दुबई जाना है तुझे, तरक्की करनी है, पैसे कमाने। मगर ये तो अपने मालिक से गद्दारी होगी, वो मालिक जिसने हम पर एतबार करके हमें नौकरी पे रखा है। नहीं मैं बेरोज साहब से गद्दारी नहीं कर सकता। या अल्लाह हिदायत दे दे इसको, मेरे भाई को। भाई क्यों मरना चाहता है तू? दोबारा नौकरी नहीं मिलेगी इस तरह की, चुपचाप अपनी नौकरी कर, पैसे कमा, मौज मार और भूल जा सब बातों को, समझा? ये ले चाय पी, जल्दी नाश्ता कर, देर हो रही है। एक्सक्यूज मी भाई, ये कौन है और कहाँ जा रहे हो? वो मैं साइट एरिया पर सुपरवाइजर हूँ, मुझे बड़े साहब से मिलना है। बड़े साहब से मुलाकात करनी है? आपने उनके स्टाफ से पहले टाइम लिया है? नहीं टाइम तो नहीं लिया, मगर मेरा बहरोज करीम साहब से मिलना बहुत ज़रूरी है। मेरे भाई आपका दिमाग ठीक है? आप ऐसे ही मुँह उठा के मिलने के लिए आ गए? यहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के जो डायरेक्टर है ना वो हफ्तों पहले टाइम लेते हैं, उनकी मुलाकात नहीं हो पाती, और आप बिना टाइम के आ गए। तो उनके किसी पीए से मुलाकात हो सकती है, बहुत ज़रूरी काम है। यार भाई आप वहाँ वेट करें, मैं बात करके बताता हूँ। जी बैठो। मालिक मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। हमारी हिम्मत कैसी हुई यूं पीछे से आवाज देकर? क्या बात? मालिक मैं आपका नमक खार हूं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि कोई आपके साथ बेईमानी करे। परसों रात को मैं आपकी फैक्ट्री में नाइट शिफ्ट का इंचार्ज था, 8 गाड़ियां आपके फैक्ट्री के गेट से बाहर निकली हैं,
लेकिन उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना एंट्री हुई है ना एग्जिट, और इस बात का मुस्तफा साहब को भी पता है। शाम को लाओ इसे मेरे पास। जी मालिक। इसको समझाओ, अगली बार ऐसे मालिक को पीछे से आवाज दी तो। जी। तुम तो अपना बोरिया बिस्तर गोल करो, तुम्हें शायद उस रात मेरी बात समझ में नहीं आई थी। हम्म, बेड़ा गर्क कर दी ना वही हरकत जिससे मना किया था मैंने तुझे, अब भुगतना इसको। ऐसे शख्स के साथ बेईमानी नहीं कर सकता जिसने उस पर एहसान किया। एहसान खुद को अंजाम के लिए तैयार कर ले, सच साबित करना इतना आसान नहीं है बरीजा। तू अपनी वफादारी कैसे साबित करेगा, तेरे पास कोई सबूत नहीं है। अल्लाह मदद करेगा अपनी। अस्सलाम वालेकुम सर। तुम्हारे पास 5 मिनट है, जो बोलना है बोल दो। मैं अब भी वही कहूंगा जो पहले कहा था। मुस्तफा साहब ने 3 दिन पहले फैक्ट्री से 8 गाड़ियां बगैर एंट्री के निकलवाई थी। बतौर शिफ्ट सुपरवाइजर मेरा फर्ज है कि ये बात मैं अपने मालिक के इल्म में लाऊं। कोई सबूत है इस बात का तुम्हारे पास? नहीं, सबूत तो नहीं है। मुस्तफ़ा 25 साल से मालिक का वफादार, उस पर बिना सबूत के इल्ज़ाम लगाने का मतलब जानते हो, लाश भी नहीं मिलेगी तुम्हारी। मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मैंने देखा है, मगर सबूत नहीं है मेरे पास। आप मुझे मारना चाहते हैं मार डालें, मगर सच एक ना एक दिन आप पर खुल ही जाएगा। ये क्या कह रहा है मुस्तफा? जी मालिक, ये सच बोल रहा है। परसों रात मैंने 8 ट्रक लोड करवाकर बिना एंट्री के पिछले दरवाजे से निकलवाए थे। इतने एक्सपीरियंस के बावजूद इतना कच्चा काम, शर्माती? जी मालिक, मैं शर्मिंदा हूं, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। उसको शाम को घर लेकर आ। मुझे आपसे इतनी ज़रूरी बात करनी थी और आप गोल्फ खेलने चले गए। इतनी ज़रूरी है गोल्फ आपके लिए, मुझसे भी ज़्यादा? तुमसे ज़्यादा कोई ज़रूरी चीज़ हो सकती है मेरे लिए दुनिया में? बोलो क्या बात। ये जो आपका ज़ाती गुलाम है ना फिरोज, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों, खैरियत? मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने का प्लान बनाती हूँ तो मुझे रोक देता है कि बाहर खतरा है। हाँ तो ठीक ही तो कहता है, तुम नहीं जानती हो इस इलाके के बारे में, बड़े जालिम हैं यहाँ के लोग, और अगर एक खराश भी आ गई ना तो तुम सोच नहीं सकती जो हमारा हशर होगा। ठीक है, फिर कहीं नहीं जाऊंगी मैं, बोर होती रहूंगी इसी घर में। अच्छा
अच्छा सुनो मेरी बात। अरे नहीं, बात नहीं, तो नहीं मालिक, मोहब्बत इंसान को बहुत कमजोर बना देती है। किसी से मोहब्बत मत करना, काम का सारी जिंदगी अपनी ही नजरों में खुद शर्मिंदा होते रहोगे। जी मालिक, कोशिश करूंगा। इस लड़के का क्या करना? सलाम अलैकुम। हाँ, क्या नाम है इसका? परीजाद। परीजाद, बहादुर हो, सच्चे हो, लेकिन अहमक भी हो। और अहमक इंसान को हमेशा उसका सच मरवाता है। इल्ज़ाम लगाने से पहले मुस्तफ़ा के ख़िलाफ़ सारे सबूत इकट्ठे कर लेता। फ़र्ज़ करो अगर वो ये कह देता कि तुम झूठ बोल रहे हो, तो तुम जानते हो तुम्हारा क्या हशर होता? शायद मार दिया जाता। शायद नहीं, यकीन है। 25 साल पुराना वफादार है हमारा। सिर्फ उसकी गलती इतनी है कि जिस रात उसने लूटिंग करवाई है, उसने ये इत्मीनान नहीं किया कि उस वक्त ड्यूटी पे इंचार्ज कौन, और फिर भी तुम चले आए अधूरा सच लेकर, जो मुकम्मल झूठ से ज्यादा खतरनाक होता। जी मैं समझ गया, इस सब का आपको पहले से ही इल्म था। क्यों आए हो यहाँ? पैसा कमाने, बड़ा आदमी बनने। दरख्तों पे उगता है ये, लगता है तुम्हें बड़ा आदमी बनने के लिए, पैसा कमाने के लिए खून बहाना पड़ता है? बहालोगे? जी सर, बहालूंगा। तुम्हारे काम का लगता है? समझा दो इसे क्या करना है। जी बेहतर मालिक, चलो। बल्कि सुनो, सुबह भेजो मेरे पास। और ये जो तुम्हें इर्द गिर्द बड़े बड़े घर और अमीर लोग नजर आ रहे हैं ना, ये सब वो लोग हैं जिन्हें तुम्हारी तरह किसी अंधेरी रात में किसी खुफिया लोडिंग की इतला मिली, लेकिन उन्होंने अपने मालिक को इस बारे में इन्फॉर्म नहीं किया। बात समझ में आई? जी। जा। क्या देख रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओ भाई, आंखों पे यकीन आ लेने दे कि तू एक पीस में बिल्कुल सही सलामत वहां से वापस आ गया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। इतनी परेशानी की बात क्या थी वैसे? क्योंकि जो कहानियां मैंने सुन रखी है ना सेठ और सफाक फिरोज के बारे में, वो तो मैंने आज तक तुझे बताई नहीं। जो भी वहां जाता सलामत वापस नहीं आता वहां से। लेकिन एक बात है, अगर सेठ को मुस्तफा की असलियत पहले से ही पता थी तो इसका मतलब है कि सारी गाड़ियां लोड सेठ के हुक्म से हो रही थी। तुम किन कहानियों की बात कर रहे हो? यही के ये सारी फैक्ट्रियां, ये मिल्स, ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ये सब दिखावा है। लोग तो कहते हैं कि सेठ जो है वो अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह है। इतने खतरनाक आदमी ने मुझे जिंदा जाने कैसे दिया? क्योंकि तू इम्तिहान में पूरा उतरा, मौत सर पर होते हुए भी तुम जमे खड़े रहे और अपनी वफादारी साबित कर दी। देख भाई, सेठ वफादार लोगों को भी हाथ से नहीं जाने देता, क्योंकि पैसे से हर चीज खरीद सकते हैं, वफा नहीं। अब तू आ गया सेठ की नजरों में, मेरी मान तो अभी पहली ट्रेन की टिकट करा और वापस जा। वापस कौन जाए? नहीं, मैं पहले ही अपनी सारी कश्तियां जला कर आया। अब तख्त हो चाहे तख्ता, मुझे फिक्र नहीं। अच्छा, ये बात है, सही है भाई। फिर जो होगा मिलके देख लेंगे। मजा आ रहा है?
एक दिन तुम अपनी पसंद का पियानो खरीदेगा। बजाना भी आता है या सिर्फ खेल रहे हो? जी मैं बचपन में क्लासेस ली थी। हमारी बेगम का है ये पियानो, बहुत अजीज से हमने अगर देख लिया उन्होंने तो खैर नहीं तुम्हारी। आज से तुम यहीं रहोगे और तुम्हारी ड्यूटी मालिकन लैला सभा के साथ हो। वो जब भी घर से बाहर जाएंगी तुम उनके साथ जाओ। जी बेहतर। और ये सुनने में आसान है काम, लेकिन इतना आसान है नहीं। हमारे दुश्मन हमारी ताक में। मैं हर लम्हा उनके साथ रहूँगा। हम चाहते तो ये काम किसी और भी वफादार को दे सकते, लेकिन हमारे दुश्मन हम सबको पहचानते हैं। तुम नए हो, उन पर किसी को शक भी नहीं होगा, इसलिए मालकन के साथ रहना होगा और चारों तरफ नजर रखनी होगी। जी समझ गया, बिल्कुल ऐसा ही होगा। एक बार फिर सोच लो, अगर हमारे दुश्मनों ने तुम्हें पहचान लिया तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। मेरे होते हुए मेरी जान तो जा सकती है, मालकिन को एक आंच भी नहीं आने दूंगा। शाबाश, यही उम्मीद थी तुमसे। और हाँ सुनो, वो कहाँ जाती हैं, किस किस से मिलती हैं, सारी रिपोर्ट चाहिए है मुझे, और इस बात का इल्म उन्हें नहीं होना चाहिए। जी मालिक। ये तुम्हारा कमरा, ज़रूरत की सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। शाम को तुम्हारे नए कपड़े तुम्हें पहुँचा दिए जाएंगे। उन मेरे कपड़े जानू के फ्लैट में रह गए हैं, मैं मंगवा लूँगा। नहीं, तुम्हें मालिकन के साथ अंदर बाहर जाना है, ढंग के कपड़े पहनोगे और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से जितनी कम मुलाकात हो उतना ही अच्छा। एक और मुलाकात तो जानू से करनी पड़ेगी, वरना वो मज़ीद उलझने पैदा करेगा मेरे जाने के डर से। ठीक है, आज तो चले जाओ, लेकिन उसे अच्छी तरह समझा देना कि आइंदा मुलाकात कम ही होगी। पीछे इंटरकॉम है, उससे तुम्हें इतला कर दी जाएगी मालिकन की मूवमेंट्स की। आधा घंटा पहले गाड़ी के पास ड्राइवर के साथ तैयार होकर खड़े रहना। जी बेहतर। क्या कह रही हो बुआ, 5 लाख रुपए? तुम्हें सुनने में कोई गलती हुई होगी, उस कंगले के पास कहां से आए 5 लाख रुपए? मान लो तुम ना अब से टिया गई हो। हाँ हाय हाय, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। ठीक है, बूढ़ी जरूर हो गई हूँ, मगर अब भी सात घर दूर की सरगोशी भी साफ सुन लेती हूँ। अरे मैंने तो उसकी सास से 10 बार कुरेद कुरेद कर पूछा, तब जाकर उसके मुंह से ये बात निकली कि परिजात जाते जाते बहन को 5 लाख देकर गया है। मुझे तो भई ये बात हजम नहीं हो रही, इतनी बड़ी रकम उसके पास से आई कहां से? जरूर उसने कहीं डाका डाला होगा। अरे मैं तो कहती हूँ जाते जाते कम से कम भाइयों को ही दे जाता अगर थे पैसे तो। अकबर कब से प्लाट लेने का सोच रहा कि घर बन सके, और मैं कमेटियां डाल डाल के थक गई। मगर मुझे तो सईदा की सास की बातों से यूं लगा कि जैसे तीनों भाइयों ने मिलकर बहन को दिए हैं 5 लाख रुपए। हाय बुआ सच कहो, ऐसा कह रही थी वो? हाँ ऐसा ही कह रही, वो यही कह रही थी कि भाई सब भाइयों ने मिलकर अपनी बहन की मुसीबत दूर की है। परिजात तो मेरे ख्याल में सिर्फ रकम पहुंचाने गया था वहां। अब समझ में आ लेने दो इन दोनों को,
अच्छी तरह पूछूंगी कि कहां से आए इतने पैसे। हम अपने बच्चों का पेट काट काट कर थोड़े थोड़े पैसे जमा कर रहे कि आने वाले वक्तों के लिए कुछ जोड़ सके, और ये हाथ इंताई बने हुए दोनों हाथों से लुटा रहे। आज क्या सूखे मुंह लौटा दोगी मुझे? कोई चाय पानी को नहीं पूछोगी? और हाँ, इतनी बड़ी खबर लाई हूँ, अत्तर की शीशी तो आज लेकर ही जाऊंगी। ला रही हूँ शरबत। जल्दी ला बेटा। चुहारा खाओगी? अरे चुप हो जा बुआ, सब ठीक हो जाएगा, मत परेशान हो। ये कैसी नौकरी है भाई, बंदा दोस्तों से भी ना मिले। मुझे तो पहले ही दिन से दाल में कुछ काला दिखाई दे रहा था, अभी भी वक्त है, सोच ले। शुक्रिया दोस्त। पता है, मैंने कुछ अरसे पहले एक नावल पढ़ा था, गॉडफादर। उसकी एक लाइन मेरे जहन में चिपकी रह गई। कौन सी लाइन? वो कहता है कि दुनिया में हर खुशकिस्मती के पीछे कहीं ना कहीं जुर्म जरूर होता है। यानी इस दुनिया में हम जिन्हें खुशहाल और खुशकिस्मत समझ रहे होते हैं ना, उनकी आसूदगी और खुशहाली ऐसी बैठे बैठे लॉटरी में नहीं मिलती। बकौल बहरोज साहब के, खून बहाना पड़ता है, कभी अपना तो कभी दूसरे का। ओ भाई, तेरी बातें सुन के ना मुझे डर लग रहा। अब तूने फैसला कर ही लिया तो मेरी दुआएं हमेशा तेरे साथ हैं। हालांकि मुझे पता है हम जैसों की दुआएं ना कभी वक्त पर पूरी नहीं होती। अच्छा, आजकल तेरी वो मलका मुमताज नहीं दिख रही, ना ही उसके हाथ के बने वो मजे मजे के खाने बावर्ची खाने में पड़े देखते हैं। क्या बात है, कहीं अपने शाहजहां को छोड़ तो नहीं दिया तुमने? ही उसकी यादों के ताजमहल को गिरा डाला है। अबे नहीं यार, उसका बाप बड़ी कर रहा है। यार पहले इसके नाम पे मकान प्लाट या कोई घर कर, फिर करूंगा निकाह, वरना भूल जाओ उसे। अबे मैं कहां से लाऊं यार प्लाट, मैं तो बड़ी मुश्किल से इस घर की किस्त दे रहा हूं। इसलिए उसने आजकल उसके घर से निकलने पर पाबंदी लगाई हुई। फिक्र मत करो, जब मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा आएगा ना, पहला काम यही करूंगा। बस तब तक अपनी मुमताज के बाप को ताजमहल के ख्वाब दिखाते रहना। फिलहाल तो तेरी लग गई नौकरी, चाय और पराठे के पैसे दे दे पहले। दे दूंगा, दे दूंगा। वैसे मुमताज की और मेरी जोड़ी अच्छी है ना? छोड़ना नहीं। शाहजहां कहती है मुझे, जानू कहती है। अच्छा, अरे तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अगर हमारे पास 5 लाख रुपए होते तो हम अपना कारोबार ना कर रहे होते, और वैसे भी आजकल धंधे में बड़ी कड़की चल रही है। यही तो मैं सोच रही थी कि इतना बड़ा फैसला आखिर मुझसे पूछे बगैर आपने कैसे कर लिया। अरे फैसला करना या ना करना तो तब होता ना जब हमारी जेब में पैसे होते। परीजात के पास इतने पैसे कहां से? कहीं उसने जाते जाते इस मकान का सौदा तो नहीं कर दिया? दिमाग पागलों जैसी बातें कर रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो तुम? मकान के सौदे ऐसे हो जाते हैं? एक तरीका कार होता है भाई, एक बंदा आपको पैसे देता है, दूसरों से कागज दबाता है। मुझे तो लगता है ये शादी करवाने वाली बुआ खामखा अफवाह फैला रही है। नहीं नहीं, अफवाह होती तो इस तरह सईदा के ससुराल वाले पीछे ना हट। देखा नहीं आपने कितनी खामोशी होगी उनकी तरफ से जब से परीजात कराची गया, और मुझे यकीन है कि उसने जाते जाते इन लोगों का मुंह किसी बड़ी रकम से बंद किया। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, तुम खुद ही पता करो इसका। जरूर पता लगाऊं, और जब तक पता ना चल जाए मैं चैन से नहीं बैठूंगी यहां। हाँ, इसका तो मुझे पता है, चैन से तो तुम नहीं बैठोगी। Thank you.
जी साहब, जी मैं रेडी हूँ, जी मैं आया। ओके, हाँ हाँ हाँ, बस निकल रही हूँ। आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा ही लेट हुई हूँ। अच्छा, जस्ट गिव मी 15 मिनट्स, बस गाड़ी में बैठ रही हूँ। कौन हो तुम? परिजात, मेरी ड्यूटी आपके साथ लगाई है। व्हाट? किसने लगाई है तुम्हारी ये ड्यूटी? बहरोज साहब ने, उन्होंने कहा है जब भी आप घर से निकलेंगी मैं आपके साथ जाऊंगा। तुम मेरे साथ मेरी गाड़ी में जाओगे? जी साहब का हुक्म है। हाँ, बस उसको कहो कि डॉक्यूमेंट्स रेडी करे। आहा, दूसरी बात यह है कि ये क्या किया आपने? ये किस नमूने को मेरे साथ लगा दिया? मैं इसके साथ बाहर जाऊंगी। वो हमारी दुबई में नहीं होगी, साउथ अफ्रीका। बताएं मुझे, कोई और नहीं मिला था आपको? हाँ, साउथ अफ्रीका में ही मिलेंगे। यहाँ अब एजेंसी पीछे ही पड़ जाती है, बाकी फिर डिटेल में बताता हूँ तुम्हें बाद में। हाँ, ओके ओके ओके। क्या करती हो तुम? देख तो रही हो कि मैं जरूरी बात कर रहा हूँ फोन पे। आप इस लड़के को फौरन इस ड्यूटी से हटाएं। क्या कर रहे हैं मेरी गाड़ी के पास? और ये जाएगा मेरे साथ हर जगह, मैं कहीं नहीं जाऊंगी ऐसे। अरे, हमारा ये डिसाइड हुआ था ना कि इस मौसम पे बात नहीं होगी। ये तुम्हारी हिफाजत के लिए रखा है भाई। आहा, मुझे और कितनी हिफाजत चाहिए? दो दो गाड़ियां एस्कॉर्ट की आगे पीछे होती हैं। हाँ, लेकिन वो तुम्हारी गाड़ी से फासले पे होते हैं ताकि तुम्हारी गाड़ी नजर में ना आए। और इसे तुम्हारी गाड़ी में इसलिए बिठाया जाता है कि अगर कोई खतरा महसूस हो तो ये उनको इन्फॉर्म कर सके। मुझे कुछ नहीं पता, मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। ये क्या नजर बटू आपने मेरे साथ लगा दिया? अरे हाँ, नजर बटू इस बारे में तो मैंने सोचा ही। चलो, नजर बटू समझ के ही साथ बिठा लो इसे। मेरी जान जल रही है और आपको मजाक सोच रहा है। अरे यार, चंद दिनों की बात है यार, हालात ठीक नहीं है। जैसे ही नॉर्मल होंगे मैं इसको फारिग कर दूंगा, छूट जाएगी तुम्हारी जान इससे। तब तक मेरी खातिर बर्दाश्त कर लो उसे। अरे, मैं नहीं चाहता कि कोई खराश भी आए तुम्हें, प्लीज फॉर माय सेक। अरे, मेरी खातिर थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो। तुम मेरे पीछे पीछे कहाँ आ रहे हो? वो मालिक का हुक्म है कि मैं आपके साथ ही रहूं। तुम मेरे पीछे नहीं आओगे, मेरे आने तक यहीं इंतजार करो। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैडम, मैं मजबूर हूँ, आप बहरोज साहब से सिलसिले में बात कर लें, वो हुक्म करेंगे मैं फौरन पलट लूंगा।
तुम्हारी मालिकन लैला सभा के साथ कोई बहस हुई? मेरी ये मजाल नहीं, अलबत्त वो गाड़ी से उतरकर मॉल अकेला जाना चाह रही थी। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज अदा किया जो मुझे सौंपा गया था। तुम्हें बहुत एहतियात से चलना होगा परीजा, ये ड्यूटी नहीं दोधारी तलवार है। छोटी मालिकन मालिक को बहुत अजीज है, उनके चेहरे पे गुस्से या गम की एक शिकन भी नहीं बर्दाश्त कर सकते। ध्यान रहे दरमियान में कहीं तुम ना मारे जाओ। जी मैं आइंदा मजीद एहतियात करूंगा। हो सकता है मालिक तुमसे पूछेंगे ये सब क्या माजरा था, तब भी तुम्हारा जवाब यही होना चाहिए कि तुम बहुत मोहतात रहोगे और आइंदा ये गलती नहीं दोहराओगे। जी नाराज हो अभी तक? आपको क्या फर्क पड़ता है, मेरे दोस्त मेरा जितना भी मजाक उड़ाए आपको तो अपनी मनमानी होती। अरे बिल्कुल फर्क पड़ता है, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा तो किसको फर्क पड़ेगा। चलो एक काम करते हैं, मैं साउथ अफ्रीका से वापस आ जाऊं तो कहीं चलते हैं। आप कह देते हैं चलते कभी नहीं है। नहीं इस दफा वादा पक्का वादा। मुकरेंगे तो नहीं? कोशिश करो। मैं चेंज करके आया। जी पानी सा।